आज एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील पर खास तौर से आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि ये दमदार कंपनियों की नंबर्स जो है वो आज आते हुए नजर आएंगे। रिव्यूज हम बता रहे हैं, रिव्यूज भी हम आपको बताते रहेंगे। 36,822 के लेवल्स पर करीब 86 अंकों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी में हरे निशान के साथ ओपनिंग होती हुई नजर आ रही है। बैंक निफ्टी से शुरुआत, सोमवार की शुरुआत ऑन पॉजिटिव नोट करनी है, इसलिए बैंक निफ्टी से शुरुआत करें। देखिए बढ़त जो है वो बढ़ती चली जा रही है, करीब 100 अंकों की तेजी। इस बीच 16,680 के आसपास हल्की सी बिकवाली, इसे बड़ी बिकवाली नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ग्लोबल सेंटिमेंट जिस तरह से दिख रहे थे उसके सामने भारतीय बाजार ने अपने आप को ठीक ठाक संभाला है। सेंसेक्स की तरफ से 120 अंकों की कमजोरी, 55,973 के लेवल्स पर यहाँ पर कामकाज। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी टीवी स्क्रीन पर 1024, एडवांसेस के सामने 613 डिक्लाइन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाजार के हीट मैप को क्विकली देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस की, कमजोरी के साथ खुलता हुआ 2.5% की बिकवाली, अनुमान से कमजोर नतीजे, हर लिहाज से एक मिस ऑन नंबर्स नजर आया था, उसका क्लियर कट इंपैक्ट है जो कि रिलायंस के काउंटर पर आप देख रहे हैं। बिकवाली का दबाव लाल निशान के साथ ओपनिंग, लेकिन हरे निशान के साथ हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के काउंटर में अच्छी मजबूती के बीच ओपनिंग होती हुई, मजबूती बैंकिंग स्पेस में लगातार है। एनबीएफसी में भी बजाज ट्विंस के काउंटर को पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा था अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड करते हुए नजर आए थे। बजाज फाइनेंस के स्टॉक को देखिए, मजबूती आज के सत्र में यहाँ पर कायम नजर आ रही है। बजाज फिनसर्व के स्टॉक को भी एक बार टीवी स्क्रीन पर लाएंगे। इस बीच टाइटन Q1 अपडेट्स के ठीक बाद हमने स्टॉक में जो एक्शन देखा है बिल्कुल नहीं थमा। फार्मा स्पेस की अभी हम बात कर रहे थे, सिप्ला में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड नजर आ रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल में भी अच्छी मजबूती यहाँ पर बिल्कुल बरकरार है। टाटा मोटर्स न्यू ऑडियो विंस के चलते लगातार फोकस में है। टाटा मोटर्स के स्टॉक में भी हरे निशान के साथ ट्रेड्स बिल्कुल दिख रहे हैं। इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में भी हरे निशान के साथ कामकाज नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा पुलर्स की अगर बात करें तो कि बाजार को पांच बड़े स्टॉक्स फिलहाल बाजार को जिन संभालने का काम कर रहे हैं, इस सूची में आप देखेंगे लिस्ट जो है आईसीआईसीआई बैंक से शुरू हो रही है मजबूती के साथ। सबसे आगे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं करीब 5.5% की तेजी के साथ, इनफैक्ट आधे से 1% की तेजी के साथ। पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें 5-6% का यहाँ पर। बजाज फाइनेंस, टाइटन और एक्सिस बैंक, ये पांच बड़े स्टॉक्स जो कि लगातार बाजार को पूरी तरह से तेजी दे रहे हैं। रिलायंस बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस तेजी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बाजार को सपोर्ट नहीं देने में शामिल इन्फोसिस भी है। इन्फोसिस यहाँ पर क्लियरली टेक का स्पेस जो है वो फोकस में है। नंबर्स के ठीक बाद एक इम्पैक्ट आता हुआ टीसीएस में भी, अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.5% की कमजोरी और कोटक महिंद्रा बैंक भी उतार चढ़ाव के बीच झूलता हुआ इस वक्त फिलहाल नजर आ रहा है। क्विकली सेक्टर स्पेसिफिक चाल देख लेते हैं। बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे, बटे हुए यहाँ पर लेवल्स आपको दिखेंगे, जहां पर हम देख रहे हैं ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक स्पेस में हरे निशान के साथ, कुछ हद तक फार्मा स्पेस भी हरे निशान के साथ ट्रेड्स देख रहे हैं, लेकिन भारी बिकवाली का दबाव आईटी सेक्टर से आता हुआ। अब आईटी सेक्टर की बिकवाली क्या बाजार को भी कमजोरी की तरफ ले जाएगी या नहीं, इस पर खास नजर रहेगी। पूजा बताएं मिड कैप काउंटर्स में कहां पर आपकी नजर है? जी मानसी, देखिए ज्यादा कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है मिड कैप स्पेस में, लेकिन नतीजों का, खबरों का असर देखने को मिल रहा है। नवीन फ्लोराइन देखिए, सुबह हम चर्चा भी कर रहे थे, हमारा त्रिमूर्ति स्टॉक भी था, ये शेयर 3.5% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। बीएल कंपनी को ऑर्डर मिला है, करीब 250 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है ये, 3% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एचएएल इस पर 1.5% ऊपर है, नैटको फार्मा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, एसआरएफ, ये सभी स्टॉक है जो कि मिड कैप स्पेस में अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, करीब 1.25%। गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज ऑयल इंडिया देखें, यहाँ पर कमजोरी है करीब 2% की। सिंगापुर जीआरएम में भारी गिरावट देखने को मिली, अपने निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं और उसका एक इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आरबीएल बैंक नीचे है करीब 1.5%। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में इस वक्त वीकनेस देखने को मिल रही है करीब 1.5% की। इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, इप्का लैब, जीएसपीएल, ये सभी करीब 1-1.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मिड कैप स्पेस में भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट इस वक्त नहीं दिख रहा है, बट आज काफी कुछ खबरें और नतीजों के चलते रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक बार राय ले लेते हैं इस वक्त जो स्टॉक में एक्शन है, नवीन फ्लोराइन 3% ऊपर है, सुबह हम इस पे चर्चा भी कर रहे थे कुछ, क्या लेवल्स को रिविजिट करेंगे आप? तेजी दिख रही है, टारगेट्स क्या देख रहे हैं, कोई ट्रेंड नजर आ रहा है इस वक्त आपको? जी देखिए, अच्छा काफी अच्छा मोमेंटम इसमें हमने देखा है, आज गैप अप भी मिली
मिली है हमें, इसे चेज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम सिर्फ लेवल्स की ही बात करें तो इसमें जो इमीडिएट यू नो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है ये 3960 के जो जोन्स हैं यहाँ पे, और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है अब इतने अच्छे गैप अप के बाद आज का जो यू नो इसका लो है या जो ओपनिंग लेवल है उसी को आप यू नो स्टॉप लॉस बना के चलिए, इसमें जो मोमेंटम है इसे राइड करिए, बहुत अच्छा गैप अप है, मार्केट जरा सा वीकनेस में है तो फ्रेश यू नो एंट्री में नहीं सजेस्ट करूंगा, चेज मत करिए मोमेंटम को। वीकनेस एक्सपेक्टेड थी और वीकनेस फिलहाल बाजार पर नजर आ रही है, बहुत ही सोच समझ कर ट्रेड्स को लें क्योंकि ये जरूर ध्यान रखें पूरा हफ्ता मंथली एक्सपायरी का है। अक्षय